अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज का सेशन शेड्यूल है, मेरे एक बहुत ही पुराने उस्ताद और टीचर के साथ अब तक जितने सेशन हुए, ये सबसे पुराने उस्ताद हैं मेरे। बैक इन 2003 जब फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ था, आई वाज इन क्लास 7 और 2-4 दिन ही इनसे पढ़ने का मौका मिला था। लेकिन वो 2-4 दिन का इम्पैक्ट आज तक माशाल्लाह याद है, वो बातें वो चीज़ें जो इनसे सीखी। तो अब आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा कि मैं उनको फौरन ही लाइव ले लूँ और उनसे, और मैं चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने थोड़ा सा रखें। जनाब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम उमेर, क्या हाल है आपका? ठीक कैसे है, हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक। आप सुनाएं। बस जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़ा तो फैंटास्टिक मैं आपने इंट्रोडक्शन डाला हमारा, बड़ा मजा आया। हाँ, क्या कह रहे हैं? बस यही बताना चाह रहा था कि ये वो चंद एक क्लासेस ही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन क्लासेस का इम्पैक्ट इतना रहा कि आज कोई 18 साल हो गए उस बात को, लेकिन हाँ, है ना लॉन्ग वो टाइम लॉन्ग ताल्लुक टाइम। हमारा चल ही रहा है। बेशक बेशक, जबरदस्त। सर, तो मैं चाहूंगा हाँ पहले जी, थोड़ा सा मैंने ज्यादा तारुफ आपका नहीं करवाया, ना ही पोस्टर में ना ही अभी। मैं चाह रहा था कि वो आप खुद बताएं कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई और कराची से फिर यूके एंड देन बैक टू पाकिस्तान। ठीक है, चलें जी स्टार्ट जनाब, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहले जी जी से माजी के दरीचों को खंगालते हैं। तो बैक इन 2002 सही। आई वाज स्टडिंग बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बीकॉम मैं कर रहा था। और एट दैट टाइम ठीक है, 2004 में मेरा रिजल्ट आने से कुछ अर्से पहले, मेरे एक कजिन है, तो ही वाज लाइक के सर, यू सही, नीड टू ही स्पोक टू मी एंड ही वाज लाइक के यू नीड टू अप्लाई फॉर द यूके वीजा। तो मैंने कहा कि मतलब पहली बात तो ये है कि सही, यूके जाना कोई आसान बात तो है नहीं, इट्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टफ। एंड ही सेड नो नो नो, नथिंग हैज बीन रिक्वायर्ड दैट मच। The only reason why he recommended me to do so is because he said that your communication skills are really good and you can actually speak to people in a decent language, in a decent English language. तो मैंने कहा चले ठीक है। तो वो एक तरह से एक गैम्बल था जो हमने, थोड़े बहुत पैसे थे मेरे और मेरे वालिद साहब, वालिद साहब ने मुझे उस वक्त जितने भी उनके पास रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास तो यही है, एंड ही गेव दैट टू मी। एंड मेरी कुछ अपनी ट्यूशन वगैरह से पैसे बने हुए थे, तो मैंने वो जो है लगा के, एंड देन आई अप्लाई फॉर इट। नाउ बिफोर मी देयर वर थ्री अदर पीपल हु वर विद इन द सर्कल एज वेल, एंड दे वर लाइक ठीक है, हम पहले जाते हैं। तो चौथा इंटरव्यू मेरा था। तो द फोर्थ इंटरव्यू, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, इट सही वाज 4th of June 2004 where the interview was scheduled, and before that the three cousins of mine, not cousins but relatives of mine, they went and they got rejected. तो तीनों का रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा यार अब तो बड़ा मसला होगा, सही क्योंकि तीनों का रिजेक्ट हो गया तो ये तो मेरे साथ बड़ी मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने वाले साहब से कहा कि आई एम नॉट गोना गो टू इस्लामाबाद ऑन एयरप्लेन और ऑन ट्रेन, आई एम गोना बाय द चीपेस्ट वे टू गेट देयर व्हिच इज थ्रू बस। तो बस का टिकट लिया और मुझे आज भी याद है, 650 रुपए का वो टिकट सही लेके हम पहुंचे जी। To cut the long story short, the other day when we started the interview, I went to the embassy and the interview started. And before the interview, I was observing that people were going in and they were coming out in a couple of minutes. तो एक एक दो दो मिनट के अंदर लोग वापस आ रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरा फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ एंड देन इट वेंट अप टू 27 or 28 minutes. इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो एट द एंड आई स्टिल रिमेंबर द गाय सेड के आई एम गोना गिव यू द वीजा बिकॉज यू नो यू लुकिंग लाइक अ पर्सन हु इज रियली कमिटेड टू द स्टडीज एंड यू आर नॉट जस्ट गोना मेस अराउंड व्हेन यू गो टू द यूके। आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई लिटरली जंप्ड ऑफ माय सीट एंड द पीपल वर सिटिंग देयर दे वर लाइक यार ये तो आपको वीजा कैसे मिल गया। मैंने कहा क्यों, कहते हैं जी सुबह से लेके अब तक कोई 150 लोगों का इंटरव्यू हो लाइव चुका है एंड नोबडी एक्चुअली गॉट द वीजा। तो 2004 में मैं इंग्लैंड गया, 2009 में मैंने, अच्छा 2004 से ही मैंने वहां जाके काम करना शुरू कर दिया था। आई वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग बिकॉज़ दैट्स समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉयड डूइंग। तो और सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको अच्छा मतलब आपको अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए, हाउ टू कैरी योर सेल्फ, हाउ टू कैरी द कन्वर्सेशन, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू कैरी योर बॉडी लैंग्वेज। तो वो चीजें मैं काफी पढ़ता था और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो चीजें।
2004 में मेरी पहली जॉब थी. आई वाज वर्किंग एज अ पार्ट टाइम वेटर इन अ 4-star होटल एंड आई गॉट प्रमोटेड विद इन 7 to 8 months. आई बिकेम द ड्यूटी मैनेजर ऑफ दैट होटल. एंड अगेन देयर वर टू थिंग्स. एक तो जारी बात है जो कमिटमेंट था उनके साथ हार्ड वर्किंग हो रही थी, लेकिन साथ साथ जो मेरा जनरल मैनेजर था होटल का, उसने कहा कि यार तुम बात अच्छी तरीके से करते हो, बाकी जो भी पाकिस्तान से आया हमारे पास उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तुम जो हो वो ड्यूटी मैनेजर का रोल जो है वो संभाल लेता. वैसे कि ठीक है, आई कैन डू दैट. एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज रियली रियली इंस्पायरिंग फॉर मी, बिकॉज आई वाज लाइक यार सिर्फ बात करने में इतना इम्पैक्ट आ रहा है लोगों पे, इसका मतलब है कि इस चीज को मजीद पढ़ना चाहिए. तो मूविंग ऑन, उसके बाद 2009 में मैंने अपना मास्टर्स किया, 2009 में मैंने अपना एमएससी, 2009 के अंदर ही मैंने डबल मास्टर्स कंप्लीट किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स. एंड इन दैट एज वेल, आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आई गॉट द नंबर वन, यू नो, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स रिवॉर्ड बाय द डीन. उन्होंने स्पेशली मुझे बुला के कहा कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वी रियली एंजॉयड योर, यू नो, द जो आपका प्रोजेक्ट था जिस तरह आपने उसको आके एक्सप्लेन किया, हमें बताया, इट वाज फेनोमिनल, इट वाज रियली गुड, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, आई वाज लाइक दिस इज अमेजिंग. 2009 में मैं वापस आया, आई जॉइन्ड नेस्ले इन द कैपेसिटी ऑफ कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर. आई स्टेड देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, बट फॉर सम ऑफ रीजन व्हाई आई ऑलवेज गेट डिवर्टेड टुवर्ड्स एकेडेमिया एंड ट्रेनिंग. तो मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा थी कि यार रिसर्च करें, इन्फॉर्मेशन लें और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक पहुंचाएं. तो मेरे लिए वो बड़ा मूविंग था. हालांकि नेस्ले को छोड़ना was a very big decision, and people were telling me, even the mera jo line manager tha, he even called me up and he said, ke yaar tum kya kar rahe ho, why are you doing what you're doing, why are you not sticking to this? And I said, the thing is ke I'm not feeling that fulfillment, mujhe wo fulfillment nahi aa rahi hai, wo feeling nahi aa rahi hai, I'm not enjoying it that much. So then 2009 fir 2010 mein fir I went back to England. I stayed there for about 7 years till 2016. usme maine fir ek bahut acha Manchester ka bada mashhoor college tha, university UK College of Arts and Technology, and I served there as a senior lecturer for business, and I was looking up to the business side of things as well. Ke unki jo marketing thi, jo sales thi, we were looking up to that as well. 2016 mein I came back, and then I started doing training seminars, chote mote pemane pe main karta raha, kyunki obviously not at a bigger scale, because I was committed to my college, my currently separate college ke sath associated as a business lecturer for AS and A2 levels. To उसमें ये कि चूंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बेहतर थी, तो एमटीवी पे भी काम करने का मौका मिला एज अ वीडियो जॉकी फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. देन आई वेंट इन द यूके, वहां पे एक वीडियो मैंने आपकी देखी भी थी. अच्छा, आपने देखी थी? उम्मा चैनल के नाम से एक चैनल था, तो उधर आई वाज वर्किंग एज अ प्रेजेंटर, तो आई वाज स्पेशलाइजिंग जी एमटीवी एमटीवी परफॉर्मेंस. हां, तो मैं लाइव परफॉर्मेंस दे रहा था वहां पे भी. लाइव शोज जो होते थे वो मैं करता था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता था, आई यूज्ड टू गो स्पॉन्टेनियस. और उसके बाद फिर आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी, मैं रेडियो पे भी काम किया मैंने फॉर अबाउट अ ईयर, व्हिच वाज नेम्ड एज एशियन साउंड रेडियो. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट अगेन इट वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इट वाज ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू इंटरैक्ट विद देम. तो ये स्टोरी थी, अब आपके सामने आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, 2020 आ गया है, एंड नाउ वी आर जस्ट लेकिन मुझे एक वो लंदन में जब आप फर्स्ट टाइम गए थे, तो वो मुझे बस वाली स्टोरी किसी ने बताई थी कि जो है वो आप यानी योर स्ट्रगल टाइम एट दैट टाइम कि आपने वो एक टिकट देते थे बस में, वो जरा बताएं यार. इन 2004 let me tell you something. My father, a great human being, a fantastic person, he gave me a very meager amount of money at that time. He said, "Ke yaar, mere paas ye 150-200 pound hai, aur isi mein tumhe dekhna hoga hisab kitab." Maine kaha, "Chalo, theek hai, acha, main chuke us waqt 20 saal ka tha, to I didn't have any idea that much." Main jab England pahuncha, then I went to Birmingham, the Walsall ke andar, West Midlands ke andar, mujhe job mili thi, waitery wali. To mere paas ghar nahi tha. For about 7 to 10 days, mere paas ghar nahi tha, aur wo sardiyan thi, December tha. और मैं करता ये था कि मेरे पास जो मेरा हैंड लगेज था वो मैं होटल के रिसेप्शन पे छोड़ देता था या साथ ले लेता था. और रात को जब 12-11 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, तो आई गॉट ऑन टू नाइट बस. वो नाइट बस पूरी रात चलती थी और वो सुबह 6:30-7 बजे तक वो खत्म हो जाती थी, उसकी सर्विस वो डे शिफ्ट हो जाती थी. तो मैंने 7-8 दिन जो थे वो इस तरह गुजारे थे कि आई वॉज एट इन द बस ऑल नाइट लॉन्ग. वो जितनी देर की जर्नी होती थी मैं सो लिया, जब वो जर्नी खत्म हुई तो उन्होंने घंटी बजाई, उन्होंने कहा जी आखिरी स्टॉप आ गया, फिर हम वहां से उतरे.
फिर दूसरी गाड़ी में बैठा, फिर वो 1-1.5 घंटा वहां निकाला, फिर आधा घंटा। तो इस तरीके से वो 7-8 दिन ने मुझे बड़ा जिंदगी से करीब कर दिया। वो तल हकीकत जो थी वो बनने का टाइम था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ सर्टेन स्ट्रगल, एंड आई एम थैंकफुल टू माय अल्लाह एंड आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स के, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी कुछ था हिसाब किताब, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो उन स्ट्रगल्स का हिस्सा है, उन काबिशों का हिस्सा है। तो 7वें-8वें दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम क्या नशा कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम क्या चर्स पी रहे हो? मैंने कहा नहीं भाई, क्या हो गया, चर्स क्यों पीऊंगा मैं? उसने कहा तुम्हारी हालत जो है वो बड़ी खराब होती जा रही है, तुम्हारी आंखों में हल्के पड़ रहे हैं। देन आई स्पोक टू हिम एंड आई सेड ये इशू है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर का किराया नहीं है, एंड आई और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ काम करते। He was so touched. He said, "Immediately go to the reception." He came with me. Reception पे आके उसने मुझे चाबी निकाल के दी, double bed का वो बड़ा अच्छा room था। उसने कहा, "तुम यहाँ रहो, जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, just stay here. Don't worry about anything. खाने का मसला है, किचन को कॉल करो, खाना मंगाओ. Everything is like that." And I was so moved. और I still remember his name. His name was Andrew Sterling. Very fantastic guy. He was a very good guy. तो उसने मुझे ये कहा था, उसने कहा नहीं अब तुम बसों में नहीं सोओगे, तुम यहाँ पे आराम से कमरे में सो। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माय हिस्ट्री। ये चीज बस ये मैं थोड़ा सा स्टोरी को मैंने थोड़ा टाइम इसलिए दिया ताकि पता तो चले कि सामने वाला कितनी स्ट्रगल करके और अपनी यानी कितनी चोटें, जिसे उर्दू में कहते चोटें खाकर जो है ना वो यहाँ तक पहुंचा। देन फिर अब आते हैं जरा टॉपिक की तरफ। तो चूंकि आपका आपकी स्ट्रेंथ आपका मेन एरिया कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स है, तो अब चूंकि पाकिस्तान में लोग बहुत सी चीज़ों को बहुत कॉमन ही लेकर चल रहे होते हैं, तो मैं पहला सवाल तो ये रखूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स? अच्छा, बड़ा जबरदस्त सवाल है क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखें, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर इट्स अ वन वे स्ट्रीट, सो यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर टेलिंग देम अबाउट स्टफ, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ योर एक्सपर्टीज, आपकी जो पैशनेट सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड मेजरली इट्स अ वन वे स्ट्रीट। On the other hand, when you talk about communication skills, it has to be a two-way street. It has to be a give and take. So I speak something, you say something, I take the feedback, I respond, you take the feedback, you respond. So it's a two-way street. Presentation skills, one-way, communication skills, two-way. Ab log aksar confuse ho jaate hain. Wo kehte hain, yaar mujhe to baat karni aati hai. मैं तो बात कर लेता हूँ, मैं तो दोस्तों में बैठ, मैं तो देखें जी मेरे दोस्त हंस भी रहे होते हैं और तफरियां भी हो रही होती हैं। देखिए, बात करना, स्पीकिंग, टॉकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। स्पीकिंग, टॉकिंग, येस इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, वो सिर्फ ये चीज नहीं है। और लोगों को ये समझना होगा इस चीज का डिफरेंस कि मैं बोल और मैं ये बात बोल रहा हूं। हां बोलो बोलो। और भी मैं पूछना चाह रहा था कि ये अंग्रेजी में बोलना ही प्रेजेंटेशन स्किल्स है या कोई भी जबान में हो सकती है? ये भी नहीं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हम लोग पता है जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है हम कहते हैं यार क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी, यार क्या वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलता है कि वाह मजा आ गया, ओहो हो बेहतरीन। लेकिन इन रियलिटी देखिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू कैन लर्न, it's something that you can learn. Skill is something that you acquire. So it doesn't matter. अगर आप उर्दू में भी बात करें तो इतने अच्छे तरीके से कि अगले बंदे को समझ में आ जाए। आप बात किए जा रहे हैं अंग्रेजी में, अगला बंदा हुआ किए जा रहा है, फिबिंग कर रहा है। अब ये फिबिंग एक नया वर्ड है जो भी मुझे रिसेंटली पता चला है, जो कि किताब में पढ़ रहा हूँ, रिक्लेमिंग कन्वर्सेशन में, बल्कि आप लोगों को दिखाता भी हूँ ये किताब, ये जरूर देखिए। ये किताब है रिक्लेमिंग कन्वर्सेशन के नाम से, शेरी ट्रिकल सर्कल ने लिखी है किताब, और इस किताब में इतनी जबरदस्त बातें, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, मैं उसको इंक्लूड करूंगा इस सेशन के अंदर भी, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज़ टू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यू कैन सी इट, सही? अच्छा, तो अब चीज क्या है कि फिबिंग का मतलब यह कि यू आर टॉकिंग टू समवन एंड एट द सेम टाइम यू आर डूइंग दिस। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। ये गलत, ये फिबिंग कहलाती है। ये अब ये एक नया टर्म निकला है, फिबिंग।
फिबिंग मींस कि यू आर स्पीकिंग टू समवन एंड यू आर एट द सेम टाइम यूजिंग योर मोबाइल फोन. दिस शोज डिसरिस्पेक्टफुल. आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अगले बंदे. नो मैटर हु दैट पर्सन इज, वो बच्चा है, बड़ा है, टीचर है, क्लाइंट है, जो भी है, यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट. एंड द वे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त, अब मैं ये मोबाइल के साथ खेलता रहा, आपने कहना है इनडायरेक्टली आपको सिग्नल मिल जाएगा कि ये बंदा जो है ना ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. तो ये बात अपने जहनों से निकाल दें कि सिर्फ जिसकी अंग्रेजी अच्छी है बस उसी की कम्युनिकेशन स्किल्स है, बाकी सब जो है वो उर्दू बोलता है, उर्दू बोलता है, यार ये तो बेचारा उर्दू बोलता है, इसको तो अंग्रेजी आती. ओ भाई उर्दू बोलता है, उर्दू भी बोलना एक आर्ट है, इट्स अ स्किल. आप उर्दू हमारे पाकिस्तान में इतने जबरदस्त प्रेजेंटर्स मौजूद हैं जो उर्दू इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि मजा आ जाता है. अब हम उनके ऊपर ये तो धब्बा लगाते हैं, नहीं नहीं आपको अंग्रेजी नहीं आती तो सॉरी आप कम्युनिकेशन बेकार. तो ये चीज गलत है. यस इट्स समथिंग. अच्छा यहां से एक बात मैं आपको आपके साथ और शेयर करूंगा बिकॉज इट्स विद रिगार्ड्स टू द कम्युनिकेशन स्किल्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से एंड आस्क के सर हाउ एग्जैक्टली डिड यू एक्वायर दैट kind of English with that accent, with that vocab, how did you do that? Ab ye koi magical cheez to thi nahi yaar, theek hai, mera bahut humble background tha, koi angrezi language ki matlab koi English medium school ke andar nahi tha, bilkul chota sa standard sa jo school hota hai usme the. Aur tumhe to pata hi hoga jahan pe hum rehte the, jahan pe hum, you know, we used to live and everything. To usme mein aap bata dena hamare taluq kitna gehra hai, wo bhi bata dena. Hamara taluq to mair मतलब तुम्हारे साथ तो फैमिली वाला हिस्सा है मेरा यार. इट्स फैमिली टाई अप विद यू बिकॉज वी गो बैक यार, हम 2002-3 की बात कर रहे हैं, 18-19 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो कहने का मतलब माइट बी यू डोंट. हाँ मैं कहना शायद आपको पता हो या ना हो कि आपकी मदर की और मेरी मदर की बहुत पक्की दोस्ती है. मतलब मेरी बालदगर निकाल हो गया लेकिन बिल्कुल अम्मी ने बताया था जब मैंने अभी तुम्हारे वाले साहब का जो हुआ तो मैंने अम्मी को बताया. अम्मी ने फौरन तुम्हारी अम्मी का जिक्र किया और नाम लेके कहा कि वो बड़ा फखर होगा उनको अपने इस नौजवान बच्चे पर. मैंने कहा बिल्कुल फखर की तो बात है, he's a pride for his family and mashallah. I'm not buttering you up or anything Umair, but you're doing phenomenal. Mashallah, you're doing phenomenal. And you have that spark in you, you have that fire in your belly, and you can move things around. So, hats off, man. Hats off. अच्छा मैं बता रहा था तुम्हें अंग्रेजी का. अंग्रेजी की जब बात हो रही थी तो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मुझसे कुछ पेरेंट्स ने भी पूछा कि सर ये आप जिस तरह अंग्रेजी बोलते हैं तो ये हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं. अच्छा मैंने कहा देखें उसमें तरीका ये है कि कोई भी चीज सीखनी हो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, देखिए लैंग्वेज सीखना दुनिया का आसान तरीन काम है क्योंकि 3 साल का बच्चा सीख लेता है, 2 साल का बच्चा सीख लेता है, 2 साल 3 साल का बच्चा सीख लेता है. तो आप अगर 20-22 साल के तो यू कैन इजीली डू दैट. ठीक है नाउ हाउएवर यू नीड टू पुट इन द एफर्ट इनटू इट. व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स. अब एक तो तरीका होता है इंग्लिश फिल्म लगा लीजिए देख रहे हैं, मैं इस तरह नहीं देखता था. आई यूज्ड टू वॉच विद द सबटाइटल्स एंड समटाइम्स, वेल समटाइम्स अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू वॉच इट अलोन, जब मैं अकेले देखता था तो मैं पॉज कर देता था और फिर मैं रिपीट करता था वो वर्ड्स उन एक्सेंट्स के अंदर. और फिर मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता था, ये भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी कि मैं अपने आप से बात करता था अंग्रेजी में, टूटी फूटी अंग्रेजी में. मैं कॉलेज गया, मैंने वहां पे अंग्रेजी में बोलना शुरू किया तो लोगों ने कहा लो जी अंग्रेज आ गए, लो जी अंग्रेज तो चलेगा ये छोड़ गया पीछे, लो जी ये आ गए अंग्रेजों की ये. मतलब अब देखिए क्या हुआ, ये बातों से नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ. अगर मैं ये सोचता नहीं नहीं यार लोग क्या कहेंगे, पता नहीं यार मैं पता नहीं गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ, डजंट मैटर, स्पीक and learn the accent. I used to make friends. There was a software back in the days called MIRC. MIRC ke naam se ek software tha aur wo chatting software tha. Uspe main jata hi isliye tha kyunki I used to interact with Europeans jinki first native language hoti English thi aur main unke phone number leke unko call karta tha. Ab main bata raha hu tumhe 2002-2001-2002 ki baat bata raha hu. Us waqt calls kitni mehngi hoti thi लेकिन मैं पैसे कहीं ना कहीं से कर करा के मोबाइल, मतलब मोबाइल तो खैर था नहीं इतना ज्यादा कॉमन, तो मैं वो फोन से जो है फिर वो उनको कॉल करता था और 5-5, 10-10 मिनट की बात करके और फिर जो है वो, अब उनको भी मजा आता था कि यार कोई पाकिस्तान से इस तरह बात कर रहा है और अंग्रेजी में बात कर रहा है. ऑब्वियसली आई यूज्ड टू बी वेरी क्लियर विद देम कि आई एम ट्राइंग टू लर्न द लैंग्वेज
and I love your accent and I would like to pick on this. So they used to tell me, "Okay, ठीक है, फिर बात करते थे, फिर कभी इस तरह मौसम की बात, कभी पॉलिटिक्स की बात, कभी उनकी गर्लफ्रेंड्स की बात, कभी उनके बॉयफ्रेंड्स की बात, कभी मतलब ये चलती रहती थी। तो ये चीज कैसे हुई? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कैसे? मैंने फिजिकल एफर्ट की, इनिशिएट करना पड़ता है। यू हैव टू बी डिजर्विंग फर्स्ट एंड देन डिजायर। ऐसा कभी नहीं होगा कि रात में सोए सुबह उठे और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन गए। नो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यू गो थ्रू फेजेस वन बाय वन, इजी, टेक इट इजी, वन एट अ टाइम। अच्छा उमेर, ये आपके फेसबुक पे लाइव है या ये मेरे फेसबुक पे लाइव भी है? क्योंकि मुझे 3-4 मैसेजेस आ चुके हैं। ये मेरे ये एक्चुअली मेरे पेज से लाइव है, आप आपके पेज से शेयर हो सकता है। अच्छा, मतलब ये रिकॉर्डेड होगा तो उसको मैं बाद में वहां पे शेयर कर दूं। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। चलो आप व्हाट्सएप कर देना। I have done WhatsApp कर दिया मैंने, लिंक WhatsApp अब उसके दिया। उसको मैं क्या करूं, उधर Facebook पे शेयर कर दूं? वो Facebook के पेज पे आप पोस्ट कर दें तो मैं बाद में करूंगा। अगर ये रिकॉर्डेड हो जाएगा पूरा सेशन तो मैं फिर वो बाद में कर देता हूं। We'll just continue with this। हाँ, ये भी पॉसिबल है ना। ठीक है, तो ये थी सवाल। हेलो, हाँ बोलो मैं बोलो। जी मैं कह रहा था कि आप कंटिन्यू करें, वो कर लेंगे। मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक है तो दिस लैंग्वेज कैन बी लर्न्ड, यू कैन लर्न दैट, यू कैन। देखिए फ्लुएंसी कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, आप जाते हैं ABC इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी इंस्टीट्यूट का, ABC इंस्टीट्यूट है, आप वहां चले गए, उन्होंने कहा जी हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस होंगी 1-1 घंटे की। अब हफ्ते में 3 घंटे आप दे रहे हैं, दिन में मतलब 30 मिनट भी नहीं बनते हैं या 20 मिनट बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब मैं जिम जाऊं और मैं 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद एक्सपेक्ट करूंगा मैं जॉन अब्राहम बन जाऊंगा? नॉट गोना हैपन। यू हैव टू इन्वेस्ट। पीपल कम टू मी एंड आई आस्क देम कि तुम ये मुझे बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हें सीखनी है तो तुम एक दिन में कितनी देर इंग्लिश को टाइम देते हो? तो मुझे जवाब आता है, सर इसका क्या मतलब है कि टाइम देते हो? मुझे इंग्लिश आती है, मुझे ग्रामर पता है, मुझे स्ट्रक्चर पता है, मुझे बस स्पीकिंग नहीं आती। तो भाई स्पीकिंग आती है प्रैक्टिस से। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल गेट बेटर। एंड हाउ यू प्रैक्टिस? यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू स्पीक टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स, यू स्पीक टू योर स्पाउस, मेक देम, लेट देम मेक फन ऑफ यू, डजंट मैटर, डजंट मैटर। यू हैव अ गोल, यू आर गोना गो फॉर इट, दैट्स इट। आपका गोल है, आपने उसको क्या कहते हैं वो करना है, अचीव करना है। अब लोग क्या कहेंगे, एक तो ये बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है 5-6 प्रोग्राम्स हो सकते हैं, तो अभी हम उसको टच नहीं करते, हम आगे चलते हैं तुम्हारे अगले सवाल की तरफ। हाँ, सवाल तो ये था कि कम्युनिकेशन और उसमें क्या फर्क हो, तो वो क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस, प्रेजेंटेशन में आप 1-वे प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। अच्छा जनाब, तो दूसरा सवाल ये है कि हमारे कैरियर में या हमारी पर्सनल लाइफ में या अगर बिजनेस करता है कोई, कैरियर में दोनों ले लेते हैं, अगर कोई जॉब कॉर्पोरेट जॉब की तरफ है या बिजनेस की तरफ है या इवन स्टडीज में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की? या ये इससे मेरी मुराद है नॉट इन राइटिंग, इट्स इंटरव्यू स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल या मीटिंग्स में या बिजनेस करते वक्त, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगेन लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस, अच्छा एक तो कॉन्फिडेंस के भी दो मतलब आते हैं, लोग तो सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स को ही कॉन्फिडेंस में ले रहे होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से जाकर बात कर सकें, चाहे वो लोगों से प्रेजेंटेशन देनी हो या चाहे 1-to-1 मीटिंग्स हो? देखो इसके पीछे मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखें ना, तो कितने भी बड़े लीडर्स गुजरे हैं, आप शुरू से लेकर आखिर तक की बात कर लें, मैं इस वक्त रिलीजन को वो नहीं कर रहा हाईलाइट, ना मैं सिर्फ दुनिया को हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आप दोनों जगहों पे जो ब्रिलियंट लीडर्स रहे, जिन्होंने वाकई लीड किया है, जिन्होंने वाकई बिजनेस बनाया, जिन्होंने वाकई बेहतरीन काम किए हैं, तो उनके अंदर एक स्किल, ठीक है लीडरशिप स्किल तो थी ही थी, लेकिन लीडरशिप स्किल भी आपकी किस काम की कि अगर आप अपना आइडिया अगले बंदे के दिमाग में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा, सही।
अगर आप नहीं कर, अब मैं बहुत बड़ा लीडर हूं जी, मेरी बड़ा जी टैका है मेरा जी, मैं जी बड़ा पहुंचा हुआ लीडर हूं, लेकिन मैं लोगों से बात करते हुए जीरो हो जाता हूं, मैं बात ही नहीं कर पाता, तो मेरी लीडरशिप जीरो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आप अगर अब हम अगर डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहला डिपार्टमेंट आता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स आपको रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट करने से पहले आपको सीवी भेजना पड़ता है। अब सीवी भी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है, उसमें एफर्ट लोग डालते नहीं। अब मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था एंड आई वॉज वर्किंग इन दोस डिफरेंट प्लेसेस इन इंग्लैंड, तो मुझसे मेरे दो तीन यूनिवर्सिटी के दोस्त, उन्होंने मुझे कॉल की कि यार अपना सीवी भेज दो तो हम चेंज करके ना नाम और उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अरे मैंने कहा यार तुम क्या हो गया, कह रहे नहीं नहीं सब ठीक है, तुमने बनाया बड़ा अच्छा बनाया यार। मैंने कहा मैंने टाइम लगाया क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी चीजें लिखी हैं, तुम्हारी चीजें डिफरेंट हैं, तुम्हारी एक्सपर्टीज डिफरेंट है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम बना के भेज। तो मैंने भेज दिया, रिजल्ट क्या हुआ। अब होता क्या है, मैं आपको ब्रोशर दिखाऊं एप्पल आईफोन 10 का, ओ भाई ये बेहतरीन, क्या फीचर्स हैं जी, क्या मोबाइल का कैमरा और क्या, और जब आपके सामने डब्बा खुले तो अंदर से निकले 33-10, मामला उल्टा हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हुआ है यार, मतलब आपके, आपने सीवी भेजा रिक्रूटर को, सीवी उसको बहुत पसंद आया, उसने कहा क्या बंदा है यार, उसने कहा आप जरा एक मीटिंग के लिए आ जाए, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। आप गए, अब आप जब बैठे इंटरव्यू में, उसने कहा लो ये तो कुछ भी नहीं है, जो लिखा था ये तो सब बेकार हो गया। और रिक्रूटर्स को विद इन सेकंड्स मिनट्स पता चल जाता है कि अगले बंदे को रखना है या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। सही, तो पहली चीज रिक्रूटमेंट में आपको एफर्ट डालनी है, सीवी आपने अच्छा बनाना है, रेज्यूमे अच्छा बनाना है। दूसरा, आपको पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की क्या कहीं की भी बात करें, मैं चूंकि इंग्लैंड में 15 साल रहा, पाकिस्तान में भी इतना टाइम मैंने गुजारा, कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सही, यू शुड नो, मैं सिफारिश की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिफारिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर उमेर मुझे जानता है और मैं उमेर को जानता हूं और मुझे पता है उमेर की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या रिसोर्सफुलनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। आगे मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहना है, अली ने कहा कि यार मुझे, मैं, हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं, तो मैं इस किस्म का बंदा है तुम्हारी नजर में, मैं किसका नाम लूंगा, उमेर का, यार वो मेरी नजर में एक बंदा है उमेर, वो बड़ा अच्छा, क्यों, क्योंकि उमेर ने मेरे साथ कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी रखी हुई है, रिस्पेक्ट से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे मतलब अपने आप को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना। सही, तो उससे क्या हुआ, मैंने आगे रेकमेंड कर दिया, तो कनेक्शन कैसे डेवलप हुआ, थ्रू कम्युनिकेशन स्किल, आपने कम्युनिकेट किया, कनेक्शन बनाया, दैट्स हाउ यू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। तीसरी बात, अच्छा, सेल्स की बात कर, हाँ बोलो। नहीं आप बोलो, आप कंप्लीट करें फिर मैं कह रहा था। अब सेल्स की बात करते हैं, मैं इतनी कंपनी से मैंने काम किया है और एक चीज जो मैंने बहुत कॉमन देखी है, जो कंपनी का सीईओ बनता है या डायरेक्टर बनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका कहीं ना कहीं लिंक सेल्स के साथ होता है। मैंने कार्टून वगैरह उसमें काम किया, वहां पे मैंने ये चीज देखी, मैंने ओरियंट में काम किया, मैंने वहां पे ये चीज देखी, मैंने नेस्ले में काम किया, मैंने वहां पे ये चीज देखी कि वो लोग जो कि इतनी बड़ी पोजिशन पर पहुंचे, वो कहीं ना कहीं से उनका सेल्स से ताल्लुक था, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इमैक्युलेट, ठीक है। अब सेल्स के अंदर वो बहुत सारी चीजें आ जाती है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू गो एंड स्पीक टू द पीपल। इतना मुझे एक किताब में पढ़, एक इन्फ्लुएंस किताब है रॉबर्ट चियाल्डिनी की, उसमें इसने एक बात, एक वाकया शेयर किया है कि एक बंदा, मतलब ही वाज अ रिमार्केबल कंसीडर इन टुडेस वर्ल्ड, ही इज अ वेरी रीनोन पर्सन, आई कांट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ। उसने जब एमबीए का 10 months का इंटेंसिव कोर्स किया, तो उसने जब फाइनल पेपर था, और ये प्लीज इसको सुनिएगा ध्यान से, जब फाइनल पेपर था, सारे स्टूडेंट्स जान मार के तैयारी करके पहुंचे, अब वो पेपर के लिए बैठ गए, टीचर आया, उसने पेपर सबको बांटा, जब उन्होंने पेपर देखा, पूरा पेपर खाली, ऊपर एक सवाल लिखा हुआ, सवाल क्या था, आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एमबीए, ईच एंड एवरीथिंग, नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी What is the name of the cleaning lady of this class? इस क्लास की जो क्लीनिंग लेडी है उसका नाम बता दीजिए, पूरे मार्क्स ले लीजिए और हमता एमबीए ले लीजिए। सही, लोगों को पता ही नहीं, मैं कहने का, मैं इसको, इस बात को मैंने क्यों यहां पे जिक्र किया, रिलेशनशिप नहीं बनाया, सेल्स कॉल बिल्कुल नहीं बनाया। किसी रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं, हाँ वो उससे मिलने आए हम, हाँ उनसे बुला दीजिए, वो गार्ड ने हमें रोक लिया, कौन होते हो तुम रोकने वाले, तुम्हें पता नहीं मैं मैनेजर हूं, तुम्हें पता नहीं मैं डायरेक्टर हूं, गिव रिस्पेक्ट भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आपके यहां पे लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टर हैं, नहीं लिखा हुआ ना, उसको क्या, वही है,
आप उसको बताएं, तमीज से बताएं, मैंने ये बात नोट की है। और फिर लोग मुझसे कहते हैं यार हमारे वो हमारी बात ही नहीं सुनते। ओ भाई वो कब क्यों सुनेगा, मैं नेस्ले में था एंड आई यूज टू गो टू द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, और मैं जब कंपनी जाता था सेल्स कॉल के ऊपर तो पीपल व्हेनेवर दे यूज्ड टू आस्क मी सर आप कौन है, अब तो मैं ये ड्रेसिंग के ऊपर एक पूरा अलग सेशन होगा, ड्रेसिंग शुड बी इमैक्युलेट, तो ड्रेसिंग देख के वो खुद ही कह देता था सर आप कौन है सर, तो मैं कहता था भाई मैं दूध वाला हूँ दूध बेचने आया, तो वो कहते थे हैं दूध वाले, मैंने कहा भाई नेस्ले से आया हूँ तुम्हारे बॉस से मिलना है, अगर तुम इजाजत हो तो मिल लेंगे। मैं उनके लेवल पे पहुंच के बात करता था, वो कनेक्टिविटी मैं कोशिश करता था कि मैं कनेक्ट कर दूं। अब क्या होगा, मैंने उससे बात की, मैंने उसका नाम याद रखा, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा दो बंदे वेट कर रहे होंगे, वो किसको आगे प्रोसीड करेगा, आशमी साहब आपको जाइए जाइए, आशमी साहब फौरन जाइए जाइए। तो वो क्यों, क्या मैंने उसको सिगरेट पिलाई है, क्या मैंने उसको खाना खिलाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार, मैंने तो उसका नाम याद रखा, नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे मिलने गया मैंने हाथ मिलाया गले लगाया, मतलब जबरदस्त सब सही चल रहा है, आज ही सब सही चल रहा है, सर आ जाइए आप ही का वेट हो। सही, तो ये यानी मेन चीज ये है कि हमने ये ताल्लुक लोगों के साथ जो है ना वो कायम रखना है। अच्छा, मैं जो बीच में जो मुझे एक बात याद आई थी वो ये थी कि मैं उमूमन बच्चों को ये यानी यूनिवर्सिटी में जो लोग बैचलर्स में जाते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि यार देखो तुम्हारे पास 4 साल हैं, तुम बस ये करो लिंक्डइन पे जाओ, जो प्रोफेशन तुमने सर्च करना है उस प्रोफेशन से रिलेटेड बस सिर्फ ऊपर लिख दो प्रोजेक्ट मैनेजर, ऊपर लिख दो मार्केटिंग मैनेजर इन पाकिस्तान लिख दो, अगर पाकिस्तान में के सिनेरियो में, तो लोगों के नाम आ जाएंगे। अब तुमने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, तुमने उनको लिंक्डइन पे ऐड करना है वरना फेसबुक पे ऐड करना है, दो काम। तीसरा, वीकली एक हैबिट बना लो कि वीक में 2 से 3 उन नंबर उनकी कंपनीज में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होगा, कॉल्स करनी है और कहना है कि इस बंदे से मिलना। अच्छा, वो कनेक्ट कर ही देते हैं क्योंकि आपको जब एग्जैक्टली बंदे का नाम पता होता है वो मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उनसे बोलें भाई मैं स्टूडेंट हूँ एंड आई वॉन्ट टू लर्न दिस और मुझे आपसे मिलना है। अच्छा, हमें डर ये होता है कि वो बुलाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ सर के KSBL कराची स्कूल ऑफ बिजनेस लीडरशिप के डीन से नो रेफरेंस, सिर्फ एक दफ़ा बात हुई एंड ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस और उन्होंने वहाँ बिठा के 1.5-2 घंटे दिए, फिर उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स और हुई। CBM के इरफान हैदर साहब नो रेफरेंस, बस नंबर कहीं से मिला, मैंने कॉल की सर काउंसलिंग के लिए आना चाहिए, तो मैं उधर गया और इवन ही हैज सेव्ड नंबर और उनके पास जो भी काउंसलिंग के लिए आता है उसके नंबर भी वो सेव करते। ये तो मैंने आपको एकेडमिक साइड बताई। फिर जे डॉट में सीनियर मैनेजर और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि लोग मिल लेते हैं, हाँ 10 को कॉल करेंगे हो सकता है 6-7 मिल रहे हैं 2-3 मना कर दें, तो दैट्स अ सिंपल। अच्छा, मैं उनसे ये कहता हूँ अगर तुम वीकली 3-4 कॉल्स करते रहो और महीने में 2 मीटिंग्स भी कर लो तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स तो तुमने 48 मंथ्स में कुछ 100 लोगों से मुलाकात की अपनी उस एरिया में जिसमें तुम तालीम हासिल कर रहे हो या जिस कैरियर को तुम परसू करना चाहते हो, और दरमियान में तुम इंटर्नशिप्स भी कर लो, अगर तुमने हर सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप कर ली तो 8 इंटर्नशिप और 100 लोगों से ताल्लुकात लेके तुम BBA लेके निकल लो, तो तुम्हारे BBA में और एक कोरे सिर्फ यूनिवर्सिटी के BBA में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जॉब करो, वहीं से तुम्हें रेफरेंसेस मिलेंगे, वहीं से तुम्हारा बिजनेस आराम से हो जाएगा। लेकिन लोग पता नहीं क्यों मिलते हुए जो है ना वो डरते हैं, और या तो उनको लगता है फजूल काम है यार, अभी तो 4 साल बाद बनाएंगे CV और 4 साल बाद मीटिंग। रीजन है उमेर, बहुत बड़ा रीजन है, आज मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि जो नया बंदा जब मार्केट में उतर रहा है, नया बंदा उसने MBA किया है बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, MBA, MSc, IB, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने एक बड़ी एस्टोनिशिंग बात बताई, उसने कहा कि ये जो नए बंदे आ रहे हैं, जो नया तबका आ रहा है, नया नौजवान नस्ल जो रिक्रूट होके आ रही है, ये मुख्तलिफ किस्म की फोबियाज और एंजाइटीज का शिकार है। क्यों? क्योंकि आज हमारी लाइफ हैज बीन टेकन ओवर नॉट 99% बट 100% बाय टेक्नोलॉजी। सही, इसमें कोई आर नहीं है। आज बच्चा मोबाइल के थ्रू टेक्स्ट के थ्रू बात करना पसंद करेगा, उसको बिठा दो अगले दोस्त के साथ, वो दोस्तों के साथ तो बैठा होगा, एट द सेम टाइम दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली यूजिंग देयर फोन बिकॉज दे ट्राई टू हाइड देयर देमसेल्व्स। अब वो क्या हो रहा है, एम्पैथी डेवलप नहीं हो रही। आप 20 साल पहले चले जाएं, 25 साल पहले चले जाएं,
एम्पैथी डेवलप नहीं हो रही. जब एम्पैथी डेवलप नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि किड्स, यंग एडल्ट्स, एडल्ट्स, दे आर ऑल, मतलब वो मोबाइल अगर उनसे ले लिया जाए तो उनकी लाइफ गड़बड़ा जाएगी. नेट हमारी लाइफ से नेटफ्लिक्स निकालें, नेटफ्लिक्स निकालें, फेसबुक निकालें, इंस्टाग्राम निकालें, स्नैपचैट निकालें, ये 5-6 चीजें जरा निकाल दें, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं आपसे 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा. हमारे एक सर कहते थे कि जो है ना वो मोबाइल ना जिस्म का एक हिस्सा लगता है लोगों को, जो शायद अल्लाह लगाना भूल गए, तो वो कहता है हर वक्त मेरे साथ होना चाहिए. यार ये बहुत एडिक्शन सिचुएशन है. और ये जो चीज है इसको उन्होंने, मैंने भी एक ब्लॉग लिखा है 2-3 दिन पहले इसी के मुताल्लिक. उस ब्लॉग में मैंने वो रिसर्च को शामिल किया, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी है या टेक इट ओवर टेक्नोलॉजी, ये 20 years डाउन द लाइन इट्स एज बैड एज टेररिज्म एंड ग्लोबल वार्मिंग. इट्स एज बैड एज दैट. आज उन्होंने कहा हम एक वो करते हैं, क्या कहते हैं अपना, रिसर्च करते हैं. रिसर्च क्या थी, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए आपने अपना फोन छोड़ के इस कमरे में खाली बैठना है, बिल्कुल खाली, वो कमरा भी खाली, आप खाली बैठे. 6-7 मिनट के बाद लोगों ने उठ के धड़धड़ाना शुरू कर दिया, भाई कोई आ जाए, किसी से बात तो कर ले, मोबाइल दे दो यार कुछ. मतलब इट्स सो वियर्ड. मैं आपको अपनी एग्जांपल से ये बात साबित, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स मैंने अपना इंटरनेट से जो ताल्लुक है वो काफी हद तक कम कर दिया. मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ऑटो मैसेजेस लगा दिए हैं, जिधर वो मैं सिर्फ दिन में 2 दफा व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, एक सुबह 11 से 12 के दरमियान और एक शाम में 9 से 11 के दरमियान. इसके अलावा मैं व्हाट्सएप को नहीं चेक कर रहा. क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप मुस्तकिल बचता रहेगा, फेसबुक मुस्तकिल बचता रहेगा, इंस्टाग्राम मुस्तकिल बचता रहेगा. तो मैं जिस वक्त पढ़ रहा होता हूँ मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ. क्यों? अगर कोई इमरजेंसी की कॉल है मेरे घर वालों की तरफ से आ रही है तो मेरी वाइफ का नंबर है उनके पास, उसको कॉल कर. और यकीन माने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इमरजेंसी नहीं हुई, नथिंग. अब वो डिवोशन के साथ रीडिंग आपके कुछ नहीं है, अब आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, अब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, चीज समझ रहे हैं. अब क्या है? उसको रिवर्स मार लें. अब मेरा फोन रखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, एक पेज पढ़ा, फिर से कुछ बच गया, फिर मैं उधर चला गया, कंटिन्यूटी टूट गई, मोमेंटम टूट गया, आपको पता ही नहीं क्या हो. तो लर्निंग इस चीज को लेके चलना, हमारी लाइफ हैज बीन टेकन ओवर बाय दीज मोबाइल फोन्स, बाय दीज कहना चाहिए टेक्नोलॉजी. इसको जितना ज्यादा कम हो उतना यूज करें. सॉलिट्यूड में बैठे हैं हम लोग, सॉलिट्यूड की तरह. अब ये कम्युनिकेशन से रिलेट करूंगा इस चीज को मैं. इनर कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, 2 किस्म की होती है. एक एक्सटर्नल, जो कि इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल है, वेरी इजी बात करना, क्या मसला है जी, कोई मसला नहीं. हाँ, इनर कम्युनिकेशन, दैट्स वेयर पीपल गेट मेस्ड अप. 15 मिनट, 5, मैं कहता हूं 15 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट से स्टार्ट करो, 2 मिनट सुकून से बैठ जाओ, कुछ नहीं, ना कोई किताब, ना टीवी, ना बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बच्चे, नथिंग. 2 मिनट बैठ जाओ खाली और अपने आप अपनी सोचें सुनो. हमारे एक कॉर्पोरेट के अंदर होता है कि जी नए आइडिया लेकर आना तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करो. ओ भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से नहीं आते नए आइडिया. रिसर्च बताती है जब बंदा सॉलिट्यूड में बैठता है, खामोशी में बैठता है, माइंड वॉन्डर्स. When mind wanders, when brain goes to work, that's where the new idea starts to come. Iqbal Beghoof tha jo usne kahi thi ye baat ki tanhai sabse badi khudaage hi hai. Tanhai sabse badi khudaage hi hai. Aap apne aap se milte hain. That's when you realize your true self. Main apne aap se milunga. Dara Shikoh ke bahut se roop hain. Ek wo jo is waqt main aapko dikha raha hu, ek wo jo main apni biwi ko dikhata hu, usko bula le, wo kahegi ye kaun aadmi hai, to main usko janti bhi nahi hu. हमसे जब बात करता तो ऐसे बात करता है, दुनिया वालों से बात करता तो ऐसे बात करता है, अम्मा अब्बा से बात करो एक. लेकिन जब मैं तन्हाई में बैठूंगा तो मैं आईना देखूंगा. दैट्स व्हेन द इनर कम्युनिकेशन किक इन. अब मैं अपने आप को बता रहा हूँ, देखो ये तुम्हारी पॉजिटिव्स हैं, इनको कैपिटलाइज करो, ये तुम्हारी नेगेटिव्स हैं, इनको कम करो, इनको खत्म करने की कोशिश करो. हम इनर कम्युनिकेशन करते ही नहीं, करेंगे कैसे? मोबाइल है जी मुस्तकिल हाथ में, ये तो खैर चार्जर है, मोबाइल है जी मुस्तकिल हाथ में, इनर कम्युनिकेशन तो होगी ही नहीं, इनर कम्युनिकेशन होगी ही नहीं. इंटरनली आप बात करेंगे ही नहीं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं. आप बोर हो रहे हैं. आज शॉकिंग है कि वो जो पॉटी सीट्स आती है बच्चों की, उस जो जिस पे एक एक दो दो साल के बच्चे बैठते हैं, उस पे एक
जगह बनी नहीं है जहां पे आप टैबलेट लगा सकते हैं। या अल्लाह, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, वो उसमें भी वो देखे आप टैबलेट लगा के, मतलब किस तरह कम्युनिकेशन क्यों होगी, कैसे होगी? सही। आज लोग टेक्स्ट पे ब्रेकअप कर रहे हैं, टेक्स्ट पे डिवोर्सेस की बात हो रही है। इसमें हाँ अपना हाँ एक एक्सपीरियंस भी, हाँ बोलो बोलो। वो जो रीसेंट जो मैंने आपसे कल ही शेयर किया था कि जैसे अभी अब्बू का इंतकाल जो हुआ लास्ट वीक, तो अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी। अब एक कोटेशन मैंने बहुत पहले सुना था कि जो है ना वो एवरी वॉर इज फर्स्ट इज इन द माइंड ना, तो यहाँ जीत गए तो बाहर जीतना आसान है और यहाँ हार गए तो बाहर। तो मैं एब्सोल्युटली अपने हर मामले में ये कोशिश करता था कि मैं पेपर पेपर वर्क करूं अकेले अपने साथ। अब अब्बू की दफ़ा में भी ऐसे ही था कि वो बहुत परेशानी थी। फिर मैंने कल आपसे जो शेयर किया था, जब मैंने बैठ के वो एक पेज लिखा तो फिर दिल को बहुत सुकून मिल खूबसूरत था, गया बहुत कि बस। खूबसूरत, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा यार, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ये चीज हम लोग खुद जब कर रहे होते हैं तो हमें अपने अंदर डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सक्सेस की सीक्रेट बताएं, हैं सक्सेस का सीक्रेट बताएं, वो सीक्रेट ऑफ बिलियनर्स हैबिट्स बताएं। अरे वो बिलियनर हैबिट, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज देयर इज नो सीक्रेट यार, देयर इज अ पाथ, देयर इज अ पाथ स्ट्रैटेजी, एंड देयर यू इज हैव अ टू वे, फॉलो। बस फॉलो कर लो, सिंपल। यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब लोग आते थे उनके पास और कहते थे कि हमें मुसलमान होना है, हमें बताएं हम क्या करें, तो वो, मुझे नहीं पता, मैं कोई इस्लामिक बंदा नहीं हूं भाई, फार फ्रॉम इट, लेकिन मैंने सुनी थी ये बात। उन्होंने वो ही कहते थे सहाबा किराम कि आप कुछ, हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, बस आप वो कर लें जो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे फॉलो हैं ना आप वो कर रहे, फॉलो कर। और वो बोलते नहीं थे, वो करते थे। इसीलिए आज के जमाने में भी आप देख लें जितने भी लोग बात कर रहे हैं, अक्सर लोग जब बात कर रहे थे उनकी बात दिल को टच हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने खुद उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया होता है, खुद उस पर काम किया होता है। एंड दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस। एक कॉन्विक्शन जो आती है, अभी मैं तुमसे एक कॉन्विक्शन के साथ बात कर रहा हूं कि गोल्स को लिखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मेरी कन्विक्शन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं अपने गोल्स लिखता हूं। मैं कह रहा हूं रीडिंग जरूरी है, उसमें कन्विक्शन है, उस कम्युनिकेशन का इंपैक्ट सही बड़ा डिफरेंट जाएगा। अब हम ये, मतलब ये तो खैर बहुत लंबी बात निकल जाएगी, बट एनीवेज तुम यू कम बैक टू योर अदर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। अच्छा। तो मैं अपने सवाल रखता हूँ, सवाल रखता हूँ। हाँ 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 अगला मैं दो सवाल एक साथ ही रख लेता हूँ ताकि फिर बीच में आपकी बात ना कटे। तो मैं जो जो सवाल जहन में, एक तो ये था कि हमने बात कर ली कम्युनिकेशन वर्सेस प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमने बात कर ली कैरियर के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट होगा। अब हमें एक बात करनी है कि पर्सनल लाइफ में क्या नेगेटिव्स हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, और क्या पॉजिटिव्स हैं या कैसे हम स्ट्रेस वाली या रिलेशनशिप की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। वन सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें चेहरा है, और चूंकि मैंने भी देखा आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो आपने किया ये कि आप इतने फासले पे बैठे ताकि आपको हाथ हाथ ये अनकॉन्शियसली हुआ। अच्छा मैं इतना ऑब्जर्वेशन करीब बैठा हूँ कि मेरा सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन लेकिन आपको काफी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है ना यार वो वो जरूरी जरूरी है ना दिखाने उनमें का मौका। तो इन शॉर्ट टू मोर इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन, हाँ वन यस इज इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लाइफ एंड सेकेंड है। दीदी आपकी आवाज नहीं आई। हाँ उमेर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, अच्छा। हाँ तुम, जी ये जी दो आ रही सवाल है, हैं। आ हाँ रही है, अच्छा, आ रही है पहला आवाज। जी, सवाल आ रही कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो बात की गई है और जिसमें इम्पोर्टेंस है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, देखिए मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। जब से मैंने एक वाकया, दो चीजें मैंने सुनी थी, एक तो ये, और ये आप सबने भी सुनी होंगी, मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा आपको, बखुदा मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी रीडिंग स्किल है तो आपको ही पता होंगी बातें। पहली चीज, ऑन योर डेथ बेड, ऑन योर डेथ बेड व्हेन यू लाइंग डाउन एंड व्हेन यू अबाउट टू डाई, यू डोंट नो व्हेन यू गोना डाई बट इट्स वेरी नियर, यू ओनली हैव योर पर्सनल रिलेशनशिप्स विद यू, यू हैव योर पेरेंट्स इफ दे आर अलाइव, you have your siblings if they're alive, you have your spouse, you have your children, you will not gonna have a customer, you're not gonna have a supplier,
अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम. तो पर्सनल रिलेशनशिप्स को टॉप प्रायोरिटी दें, टॉप प्रायोरिटी. एक रिसर्च, एक और रिसर्च इसी के साथ इंक्लूड करके देन आई विल कम टू दैट, कि एक उन्होंने रिसर्च की कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा मेहनती लोग थे जिन्होंने बड़ा रिमार्केबल काम किया बट दे वर नॉट इन द लाइमलाइट, तो उन्होंने कहा कि जब उनसे डेथ बेड पे ये सवाल किया गया कि आपने कोई एक ऐसा काम दुनिया जिंदगी में अपनी किया हो जिस पे आपको बहुत ज्यादा अफसोस हो, तो आपको पता है 98% ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि हमने जरूरत से ज्यादा मेहनत की, जो टाइम हमें अपनी फैमिली को देना था हमने वो टाइम अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को दे दिया. कितनी खतरनाक बात है. तो पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर अब बात हम करते हैं, फॉर एग्जांपल माँ बाप का बच्चों के साथ. सही. मेरे घर में, मैं अपने घर से स्टार्ट करूंगा, देखिए मैं जो भी बात करूंगा ना अपने घर के साथ करूंगा ताकि लोग देखे नहीं इसीलिए रिले. मैं अपने घर में इसको रीडिंग को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ. ठीक है, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह they are avid readers as well. लेकिन क्या वो मेरे कहने से रीडर बन गए? मैं सारा दिन बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स देखता रहूं, ठीक है, मैं सारा दिन बैठ के वो मनी हाइस्ट देखता रहूं नेटफ्लिक्स पे, और मेरे बच्चे कमरे में और मैं कहूं नहीं नहीं तुम पढ़ो जाके, नहीं नहीं तुम रीडिंग करो, मैं खुद मोबाइल पे लगा रहा हूं. नॉट गोना हैपन. कम्युनिकेशन कैसे होगी? यू हैव टू फर्स्ट शो, यू हैव टू फर्स्ट डेमोंस्ट्रेट. अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना चाह रहे हैं ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एक रिसर्च के मुताबिक बच्चों को हम नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ओ भाई तुम तो चीते हो, तुम्हारा ग्रेड क्या आया? 90%, बेहतरीन यार बेहतरीन. गलत है ये. बच्चों को उनके रिजल्ट पे प्रेज ना करें. मुझे पता है लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डिसएग्री एंड आई कंप्लीटली अग्री, सो लेट्स अग्री टू डिसएग्री. मेरा मानना यह है, जो मैंने उस किताब के अंदर पढ़ा उसमें यह लिखा था कि जब आप बच्चों को रिजल्ट के ऊपर असेस करते हैं तो बच्चे के साइकी के अंदर यह बात आ जाती है कि मुझे सिर्फ नंबर्स लेकर आने हैं, दैट्स ऑल. अब चाहे वो मैं चीटिंग से लाऊं, चाहे वो मैं ब्राइबरी से लाऊं, चाहे वो मैं गुंडागर्दी से लाऊं, रिजल्ट अच्छा आएगा तो अब्बा कहेंगे देखा मेरे बच्चे ने 95% दिया. फूफो को बताएंगे, खाला को बताएंगे, ताया को बताएंगे. हमारे हमारे उसमें होता है ना कल्चर में कि अच्छा रिजल्ट क्यों चाहिए, क्योंकि मैं खाला को बताऊंगी कि जी मेरे बच्चे ने तो ये लिया, आपके बच्चे ने क्या लिया. तो कहने का मकसद ये है कि आपने बच्चों को प्रेस करना है उनकी एफर्ट्स पे. सही. यार तुमने बहुत मेहनत की, रिजल्ट जो भी आया देखो बेटा फिकर नहीं करो रिजल्ट की, मेहनत तुमने की पूरी, हाँ की, रिजल्ट की खैर है. तुम्हें जो तुमने पढ़ा तुम्हें समझ में आया, हाँ आया. अगर मैं तुमसे आज मैं अल्लाह का शुक्र है मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स को उठा के देख लें जिन्होंने 4 साल पहले मुझसे पढ़ा था या 2011-12 में पढ़ा था. मैं बड़े बोल से तौबा, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन a lot of students still would remember what I taught them. क्योंकि मैं मार्क्स के पीछे नहीं जाता, मैं नॉलेज के पीछे जाता. 2003 की बात, मैं तो 2003 की बात बता रहा हूँ ना. 2003 में 3 क्लासेस दी थी आपसे. या अल्लाह क्या बात है, क्या बात है. तो मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज के पीछे जाओ, क्योंकि once you acquire the knowledge, nobody is going to steal that from you. और वो उन नंबर्स का क्या फायदा कि जब आप कमरा इम्तिहान से बाहर निकले और आपको कुछ याद ही नहीं कि आपने लिखा क्या था उसके अंदर, क्योंकि वो काम तो खत्म हो गया, वो टेम्पररी. तो पेरेंट्स के साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है बच्चों को? यू हैव टू गिव देम टाइम, यू हैव टू सिट विद देम. बच्चे बदतमीजी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बदतमीजी? इसलिए क्योंकि आप मुस्तकिल फोन पे लगे हुए हैं. बच्चा कह रहा है डैड ये वो काम हुआ था, हाँ मैं कर रहा हूँ, एक ईमेल कर दूं. अम्मी के पास गया, एक मिनट बेटा मैं जरा इंस्टाग्राम पे ये जो मैंने खाना बनाया इसकी तस्वीर लगा के पोस्ट कर दूं. मैं ये रियल लाइफ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा. बच्चा क्या करता है? बच्चा रिटेलिएट करता है. बच्चा कहता है अब मैं बदतमीजी करूंगा. साइकोलॉजिकली वो क्या कर रहा है? मैं बदतमीजी करूंगा देन दे विल नोटिस मी, माय पेरेंट्स विल नोटिस मी, क्योंकि आपने वो जो कम्युनिकेशन गैप था वो इतना बढ़ा दिया. और वो फिर क्या होता है जब वो, अब मैं अपनी वाइफ के साथ अक्सर, मैं उमर तुमसे बिल्कुल पर्सनल बातें शेयर करूंगा, मेरी वाइफ अक्सर गुस्से में आ जाती है बच्चे जब कमरे में बार बार आ रहे होते हैं ना, एसी चल रहा है, बच्चा आगे बैठ गया. अब बच्चे वो तो बैठे ही, मेरी वाइफ निकलो निकलो यहाँ से बाहर निकलो, बिकॉज ऑब्वियसली शी गेट्स फेड अप, इतना काम है, सब कुछ है, स्ट्रेस है, कि वो सब कुछ. मैं कहता हूँ देखो मेरी बात याद रखना, 10-12 साल की बात है, ये सब अपने घर चले जाएंगे दोनों, फिर हम ये मुस्तकिल कामों पर लगे रहेंगे, जॉब्स में होंगे, फिर तुम रोती रहोगी या आके बैठते नहीं हमारे पास, हमसे बात नहीं करते. तो अभी के टाइम को कैश करो, इस टाइम को चेरिश करो, इस टाइम को वैल्यू दो,
इनको भगाओ नहीं, इनको अपने पास बुलाओ, बिठाओ, बात करो, समझो, बेवकूफी ही बात कर रहे हैं, करने दो, लेकिन कम्युनिकेट तो करो। आज हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आज माँ फोन कर रही है बेटे को, टेक्स्टिंग हो रही है, बेटा नानी के घर आना है, बेटा दादी के घर जाना है, बेटा कह रहा है अम्मा मैं ग्रुप स्टडी पे हूँ, लेकिन एक्चुअल में ग्रुप स्टडी के अंदर क्या हो रहा है ये तुम्हें भी अच्छी तरह पता, और मुझे ठीक है ना। तो कम्युनिकेट करें, सिट विद योर किड्स, खाने का टाइम है, फोन रख दे साइड पे, फोन रख दे साइड पे, बैठे बात करें, गुफ्तगू करें। ये तो हो गया पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ भी है। सबसे इन सारी चीजों का लुब्बे लुबाब, चाहे कस्टमर, चाहे सप्लायर, चाहे अम्मा अब्बा, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे स्पाउस, चाहे फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आज तुमसे बात कर रहा हूं क्यों, तुम रिस्पेक्ट देते हो। तुम आज मुझसे बात कर रहे हो क्यों, रिस्पेक्ट की वजह से। रिस्पेक्ट दें आप, चाहे चपरासी हो, चाहे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, रिस्पेक्ट दो उसको। और मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा, वो हमें एक टीचर ने सिखाया था कि भाई जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, तो आप उस इंसान को जितनी वैल्यू देते हैं, जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बच्चे को देना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ भाई मेरा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को जो रिस्पेक्ट दूंगा वो देना शुरू कर दूं। और एक और बात बच्चों के हवाले से उन्होंने सिखाई थी कि अगर कोई शख्स आता है और उसके माथे पे कुदरती लिखा हुआ है कि जन्नती है, तो आप उसकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो बच्चा बालिग होने से पहले अल्लाह के पास अगर चला जाता है तो जन्नती है। तो जब तक आपको बच्चा बालिग नहीं होता, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट। हाँ, इसमें ये नहीं कि आप उसे सर पे चढ़ा दें, बट यू हैव टू बैलेंस। और वो बैलेंस का मतलब तरीके के साथ करना पड़ता है। हाँ, तरीके के साथ करना पड़ता है आपको। एक आप वो टाइम याद रखें जब मैं 16 साल का था। आज मेरा बेटा 16 साल का है। क्या 16 साल में मैं तुर्रम खान बन गया था? क्या मैं बहुत आलिम फाजिल बातें करता था? मैं भी तो बेवकूफों वाली बातें करता था, मैंने भी मिस्टेक्स की हैं। तो व्हाई एम आई बीइंग हार्ड ऑन हिम? बिल्कुल। व्हाई एम आई नॉट गिविंग हिम द लेवरेज? बेटा कोई बात नहीं, मिस्टेक की। अब वो आगे मुझसे पूछता है, बाबा डू यू थिंक आई एम गोना सिक्योर ए स्टार और नॉट? मैंने कहा यार, यू सिक्योर ए स्टार, यू सिक्योर ए बी सी, डजंट मैटर व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। इफ यू सिक्योर बी ग्रेड, इफ यू सिक्योर बी ग्रेड, यू शुड नो योर सब्जेक्ट इनसाइड आउट, पहली चीज। दूसरा, बी ग्रेड का मतलब, जो कि जैक मा ने भी बोली थी बात, यार तुम्हें भी पता होगी, लोगों ने सुना होगा कि ही डजंट वांट हिज किड्स टू सिक्योर ए स्टार और ए ग्रेड्स। व्हाई? बिकॉज़ द पर्सन हु इज सिक्योरिंग बी और सी ग्रेड हैज इनफ टाइम टू लर्न सम अदर थिंग्स एज वेल, सम अदर थिंग्स, राइट, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अब एक लास्ट सवाल आपसे रखूंगा मैं, वो ये कि मैंने मुझे पहले तो मैं उसको उसकी क्रेडिबिलिटी बताता हूँ कि इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है, और फिर आपसे भी वो सवाल लेता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ लाइफ में इम्प्रूवमेंट मिला, वो मिला 1-to-1 काउंसलिंग या कोचिंग से। अच्छा, वो सब एरियाज में। तो मैंने देखा कि सही है, जेनेरिक आप इंटरनेट से भी चीज़ें लेते हैं, बुक से भी, उसमें भी बेसिकली वो राइटर आपको कोच ही कर रहा होता है। लेकिन जो एक 1-to-1 कोचिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे मेरा ताल्लुक है, तो ऐसे ही अब कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स या इवन इंग्लिश लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट में 1-to-1 कोचिंग की क्या खासियत है? क्योंकि मेरी इंग्लिश की कमज़ोरी, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स की कमज़ोरी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी, हो सकता है मुझे एक जेनेरिक बुक में उसका आंसर ना मिले, या मुझे पूरी बुक पढ़नी पड़े और पता चले वो बुक के 228 पेज पे मेरे सवाल का जवाब था, तो मुझे उसके लिए 228 पेज पढ़ने पड़े, पता नहीं कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस कि मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं और मैं बताऊं कि भाई वो जज करे मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, एंड देन ही सजेस्ट मी कि ये कर लो। इसी तरीके से वो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक तो ये कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अगर मैं, या मैं तो वैसे ले ही रहा हूं आपसे बहुत अरसे से, लेकिन अगर और लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आप उनको कस्टमाइज इंडिविजुअल बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए, विच आर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, तो क्या इसकी अपॉर्चुनिटी आपके एंड पे अवेलेबल है? पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, देन क्या आपके पास इसकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं? मेरे पास इसकी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अवेलेबल है, और मैं जो हूँ वो इस वक्त दो कराची में ही दो कंपनीज हैं,
जिनके सीईओस को मैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर और नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर सिखा रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल कोचिंग कर कम्युनिकेशन रहे की हैं। बात ठीक हो है, रही है। तो कोचिंग का देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ यू वांट टू लर्न फुटबॉल और इफ यू वांट टू लर्न क्रिकेट, यू गो टू द एक्सपर्ट्स, यू गेट द आइडिया फ्रॉम देम, यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम बुक्स, बट दोज बुक्स कैन ओनली टीच यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो एक सर्टन एक्सटेंट तक आपको पढ़ा रही होती है, बता रही होती है, लेकिन इवेंचुअली अगर एक बंदा जो कि बजाते खुद, अब मैं बैठा हूं फॉर एग्जांपल तुम्हारे साथ, मैंने कहा जी तुम्हें, अब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, मैंने तुमसे बातचीत शुरू की, एक क्वेश्चन एयर है, मैंने वो डिसाइड किया, मैंने तुमसे पूछा जी हर चीज में, मुझे पता चला कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ अच्छी चीज है, ये गलत है, इसको बेहतर करना है, प्रेजेंटेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो वन ऑन वन जो कनेक्शन है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होता है। आप देख लें क्लास, आप ट्यूशन अकेडमी से देख लें ना, आप ट्यूशन क्लास लेने के लिए जाते हैं, उस क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चों का मतलब ये कि अगर एक बच्चे ने एक मिनट लगाया तो 40 मिनट तो यही होगा, पूरे 40 मिनट की क्लास खत्म हो गया, हर बच्चे ने एक एक सवाल आपसे, तो 40 मिनट इसको 40 मिनट खत्म हो गए। रिवर्स में आइए, आपकी क्लास में सिर्फ मैं और आप बैठे हुए हैं, अब 60 मिनट है हमारे पास, ये 60 मिनट कॉन्क्रीटली आपके पास है मेरे, अब आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन मुझसे एक्सट्रैक्ट करें, यू कैन डू दैट। तो कोचिंग इज समथिंग व्हिच इज हाईली रेकमेंडेड, नॉट जस्ट कि आप मेरे पास आओ कोचिंग के लिए, यू कैन गो टू एनीवेयर एल्स, यू कैन सर्टेनली डू दैट, बट इफ यू कम टू मी, आई एम अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे रिजल्ट नजर आना, और ये आपको भी नजर आना शुरू हो जाएगा विद इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 4 सेशंस के बाद, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार बाकी ये तो काम कर रही है चीज, कम्युनिकेशन बेहतर होती जा रही है, प्रेजेंटेशन बेहतर होती जा रही है। सही। अच्छा मैं इसमें आपकी बात को सेकंड करूंगा कि मैंने जब 1-to-1 कोचिंग लेना शुरू किया, अच्छा मैं तो जैसे आप हैं बहुत सारे लोग हैं तो कनेक्ट तो रहता था, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती थी, यानी 5-6 महीने में बात हो गई, मशवरा हो गया। तो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर कंसल्टेंट हैं, कोच भी हैं, सुलेमान अहमर, जो टाइम लेंडर्स के सीईओ हैं, तो मैं उनसे कोचिंग ले रहा हूँ 1 साल से। सो व्हाट आई फाउंड कि मैं जिस जिस एरिया में कोचिंग ले रहा हूँ उस एरिया में मेरी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह समझे 10 times। अब वो मेरी पर्सनल लाइफ भी है, वो रिलीजियस भी है, उसमें फाइनेंसेस भी हैं, फाइनेंशियल गोल जो मेरे स्कूल लाइफ से थे वो कभी अचीव नहीं हुए थे, और इनसे कनेक्ट होने के बाद वो बैक टू बैक, और जो टारगेट थे वो डबल भी हो गए। तो अच्छा वो सब अच्छा, मुझे उसमें फायदा क्या हुआ, बट आई फाउंड कि मैं जहाँ फंसता मैं एग्जैक्टली वो सवाल पुट करता, और उस सवाल के जवाब में मुझे 5 मिनट की भी जो एडवाइस मिलती ना वो मेरे लिए अच्छा। और फिर मामला ये था कि जब कोच ने कुछ कह दिया तो अब एक अकाउंटेबिलिटी आ गई, यार अब तो कोच ने ये टास्क दिया है, अब तो कोच को रिप्लाई करना है, वरना तो अगला काम नहीं मिलेगा, और कोच आगे पीछे यानी कोच तो टाटा करवा देंगे। तो उसके उसमें फायदा ये हुआ कि वो काम जो जिंदगी में डर के मारे कभी नहीं हुए थे वो हो गए, और होने के बाद पता चला कि दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना मैं उसे सोच रहा था। तो ये मैं आपकी उस बात को ले रहा था। हाँ अब तो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग में तो मैं आपको भी बार बार तंग करूंगा फ्रीक्वेंटली, जो जो तंग करना चाहे सबके लिए तंग होने के लिए हम बैठे हैं भाई। ठीक है, अब आप बताएं जरा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी यार इसमें ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि 5 फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट 8 आवर्स का सेशन रख लेते हैं, कि 8 आवर्स का मतलब ये है कि वीक में 2 क्लासेस हो गई 1 घंटे की, जिसके अंदर वी कैन सिट डाउन टुगेदर मी एंड हूएवर वांट्स टू कम फॉर द कोचिंग पर्पसेस, और उसके अंदर वी कैन ये ग्रुप भी हो सकती है। लेकिन कोचिंग में मैं पर्सनली कहूंगा कि दो तीन बच्चे, दो तीन इंडिविजुअल से ज्यादा ना हो, ताकि यार उनको प्रॉपर अटेंशन तो मिले, वरना वो फिर ट्यूशन क्लास बन जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। दो तीन आ गए दैट्स फाइन, हाँ उससे ज्यादा हो गए तो एक और ग्रुप कर दिया, और ज्यादा हो गए एक और ग्रुप कर दिया, कंसेंट्रेशन पूरी मिले उसके अंदर। जब आप वन ऑन वन बैठते हैं देन यू अंडरस्टैंड दैट यू लर्न देन यू फाइंड आउट, तो यस दैट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इंपैक्ट। अब जहां तक इसका फाइनेंसिस का ताल्लुक है तो आई एम श्योर मैंने जिक्र तो किया था तुमसे उसका कि 8 आवर्स का अगर हम सेशन रखते हैं तो नॉर्मली द प्राइस इज 1000 rupees अ सेशन व्हिच इज फॉर 60 मिनट्स, बट इफ वी गो थ्रू लाइक फॉर एग्जांपल द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग दिस
show right now, if they want to get in touch with me, they can actually get it for 5,000. For 5,000 rupees, they can have 8 sessions with me. 8 sessions ka matlab ye ki hafte mein 2 sessions hain, so 1 month ka 5,000 hai, and we can see the difference. Obviously, I'm not going to claim anything big because it entirely depends upon the person who's learning. आप अगर implementation नहीं करेंगे, आप अगर execution कर सकते हैं कि if they want, if they want first session as a trial, हाँ हाँ बिल्कुल, एक दो चीजें ये हो सकता है, और अगर आप आपकी contact details मैं share कर दूँ, यानी which means phone number यहाँ display कर दूँ, कर दीजिए ठीक, आप बात continue करें. अच्छा हाँ, तो उसमें ये है कि 8 सेशंस होंगे हमारे, 8 सेशंस 8 आवर्स के होंगे, और नॉर्मली दैट्स 8,000 रुपीस, बट वी कैन डू इट फॉर 5,000 रुपीस. ऑब्वियसली इफ इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर कमिंग, तीन बच्चों का ग्रुप आ रहा है, तीन इंडिविजुअल्स का, प्रोफेशनल्स का, एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप आ रहा है, तो वी कैन ऑब्वियसली डू समथिंग अबाउट इट. आई एम नॉट वेरी रिजिड व्हेन इट कम्स डाउन टू प्राइसिंग, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना सेल माई सेल्फ लो एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ साइकी दैट इफ यू buy something for less amount of money or free of charge, then obviously it's not a much of that value. People normally perceive that thing. Plus, what I normally do is I give an introductory lecture. Pehla lecture mera normally, I don't charge for that, in which we basically sit down together, we assess the individual, ke uski kya strengths hai, kahan pe weaknesses hai, kahan pe kaam karna hai. And then I share my jo choti moti knowledge hai, unko share karta hun. If they like it, then they'll proceed. If they don't like it, no hard feelings. Assalamu alaikum. अच्छा, मैं एक तो ये तो आज का सेशन तो हम कंक्लूड करते हैं, ये था कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स पे. मैं आपके साथ बहुत सारे सेशंस करना चाहता हूँ, बिकॉज वजह उसकी ये कि जो जो अपनाइयत और जो एनर्जी है वो बस उसमें काम हो जाता है, फिर वो टॉपिक यार हमारी तुम्हारी कनेक्टिविटी बड़ी डिफरेंट है उमेर, भाइयों की तरह यार, छोटे भाइयों की तरह. हाँ बिल्कुल. So, what I'll be more than happy to do other skills pe ya kisi, hum isko agar weekly basis pe bhi possible ho, kyunki ab Ramzan hai, to hum aise live sessions bhi rakhte hain, aur jo log one to one coaching mein aana chahte hain, hum unse bhi details share karte rehte hain. Absolutely. Theek hai sir, aaj ke liye bahut bahut shukriya. Koi closing note aap to dena chahein logo ko? Closing note ये कि thank you very much for first of all to Umair for giving me this opportunity. तुमने ये arrange किया, मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. I felt really really humble that you even consider me to do this kind of show with you. Secondly, the people who are watching, the people who have tuned in, जिन्होंने पूरा session देखा, मुझे बर्दाश्त किया, मुझे बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है, उन्होंने मुझे सुना. I hope कि उनको थोड़ी सी value मिली होगी, उनको थोड़ा सा information मिला होगा, उनको कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा. एंड स्टिल इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, माय नंबर इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन ऐड मी ऑन फेसबुक, दारा शिको हाशमी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, और मेरी कंपनी का पेज भी बना हुआ है दारा शिको एसोसिएट्स का, वो भी आप देख सकते हैं. और एनी क्वेश्चंस जस्ट ड्रॉप मी इन इनबॉक्स एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. बस अब आप तो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जो आप व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा लोड आएगा एकदम, उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, उसको करना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा, बिकॉज पीपल कैन डू दिस एज वेल ऑन देयर ओन. मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोली है कि तुम लोग भी ये करो, लगाओ कि हाँ ठीक है मैं सुबह 11 से 1 जो है मैं खोलूंगा अपना व्हाट्सएप, बाकी मैं नहीं खोलूंगा, रात में 10 से 12 या 10 से 1. जरूरी है उमेर, जरूरी है. एंड पीपल डू अंडरस्टैंड, मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों ने इसको सुना, समझा और रिस्पेक्ट किया कि नहीं सर वी अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम. तो मैं ऑब्वियसली मैं फिर अपना टाइम जो है वो बढ़ा लूंगा. और अहमद रजा साहब आप हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. अहमद भाई ने आज के सेशन, अच्छा अहमद शुरू से जी, अरे माशाल्लाह, आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो टच्ड, थैंक यू सो मच अहमद साहब. चलें जी कंक्लूड करें इसको सर, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी. ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वंस अगेन, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़.